जाता है। कल आप लोगों को थोड़ा बताया गया था कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ये कहां से बोले जाते हैं, लेकिन इसमें बताया गया था कि और भी चीजें कुछ छूट रही हैं कि इसमें कौन कौन से और चीजें होती हैं। तो आज आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि हमारे जितने भी वर्ड हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इतना वर्ड जो है यहाँ से यहाँ तक, ये वर्ड आपके स्पर्श व्यंजन वाले वर्ण हैं। कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन वाले वर्ण हैं। ये 25 वर्ड, ये तो आपको बता दिया गया था, लेकिन इसमें और भी क्या चीजें हैं। इस पूरे को, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, प ख ग घ ङ, इसको हम क्या कहते हैं? क वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? क वर्ग। पूरे इन पांच जो अक्षरों को क वर्ग कहते हैं। तो ये प ख ग घ ङ और इसमें अ आ और अ, ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। कंठ हमारा कहाँ है? यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से, यहीं पे हमारा कंठ है, यहीं से आवाज आती है। इस वर्ड क की ख ग घ ङ अ आ और अ। नेक्स्ट आपका है च वर्ग। च वर्ग में च छ ज झ ञ, ये पूरा च वर्ग आपका, और ई ई य और श, ये ताल से बोले जाते हैं। ताल क्या होता है? ये ताल जब हमारी जीभ ऊपर जाके पूरी तरीके से सज जाती है तो उसका उच्चारण होता है, वहीं से इसकी आवाज आती है। चावर और ई ई या और सर। नेक्स्ट है टावर। टावर मीन्स ट ठ ड ढ ड, ये टावर में री और स, ये सब ट वर्ग में नहीं है, लेकिन ट वर्ग में सिर्फ ये पांच अक्षर ही है, हाइफ वर्ड ही है, लेकिन री ढ और स ये मूर्धा से बोले जाते हैं, अर्थात ताल के अगले भाग से। अब कहेंगे आप लोग कि ये ताल कहाँ? ताल के अगले भाग से जब हमारी जीभ ऊपर जाके सटती है तो वो इस जीभ के आगे वाले भाग से, देखिए बोलते समय कैसे बोलते हैं, सिर्फ हमारी जीभ पूरा ऊपर न सट करके ऊपर आगे के भाग से ऊपर सट जाती है, इसीलिए यहाँ पर आपको ये बताया गया कि ताल के अगले भाग से ये बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? ताल के अगले भाग से बोला जाता है। त थ ग घ ङ, कहने का तात्पर्य ये त वर्ग है। त वर्ग और इसमें स ज ल। अब ये कहेंगे कि ये क्या चीज है जो इसके नीचे लगा दिया गया है? इसको नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। अब ये कहां से आ गया? आप इधर देखेंगे, आ ज और हा, ये आगत ध्वनि है। कौन सी? ये वर्णमाला में नहीं है, आगत ध्वनि है, अर्थात तो ये बाहर से आ गई है। तो ये ज जो है नुक्ता वाला, इसको नुक्ता आदत ध्वनि कर दीजिए या नुक्ता वाले वर्ण कर दीजिए, ये भी इसमें आता है ज और ल। ये कहां से बोला जाता है? दांतों से। जब भी देखिए हम उच्चारण करते हैं कहते हैं ट, हमारा ऊपर का दांत और नीचे का दांत दोनों ऊपर से क्या होता है? सट जाता है और तब जाके यहाँ से आवाज आती है। अर्थात ये वर्ड कहाँ से बोले जाते हैं? दांतों से बोले जाते हैं। नेक्स्ट आपका है प वर्ग। प वर्ग में प ख ब भ म, कहने का तात्पर्य ये पांच वर्ड जो हैं इसको हम पूरे को प वर्ग कहते हैं। इसमें प
देखिए प फ ब। जब हमारा दोनों होंठ ऊपर और नीचे का सट जाता है तभी ये आवाज यहाँ से आती है। कहने का तात्पर्य स्पर्श व्यंजन के अलावा और भी वर्ण जो कि हमारे कंठ ताल मूर्धा दंत और ओष्ठ से बोले जाने वाले हमारे जितने वर्ण हो गए। बसते हैं हमारे कुछ वर्ण और भी हैं, तो व और फर फर ये लुप्ता वाला फर ये दंतोष्ठ यानी ऊपरी दांत और निचले होंठ से, ऊपरी दांत उगल ऊपर के दांत से और निचले होंठ से बोला जाता है। इस अस्पष्ट व्यंजन
थर्टीन, ये थर्टीन हो गए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन, ये ट्वेंटी वर्ड आपके सब हो सकते। पहला और दूसरा वर्ड और उसके अतिरिक्त ये तीनों अघोष हो गए और ये इधर सघोष हो गया। आपको इसी से अल्पप्राण और महाप्राण भी बता दिया जाएगा कि कौन कौन से वर्ड अल्पप्राण और महाप्राण है। अल्पप्राण में ये पहला तीसरा और ये पांचवा अक्षर, इसी प्रकार से सब में पहला तीसरा और पांचवा ये क्या हो गए अल्पप्राण हो गए। पहला तीसरा और पांचवा वन अल्पप्राण, और जो बचते हैं वो दूसरा और चौथा महाप्राण, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। महाप्राण अल्पप्राण में ये इतने वर्ड आपके क्या हो गए महाप्राण।